पिशावर के लेडरिंग अस्पताल में वाकई 20 दुकानों में सिर्फ 9 दुकानें किराए पर दी गई हैं, जबकि 11 दुकानें गुज़श्ता 5 साल से खाली पड़ी हैं। पिशावर के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल लेडरिंग में वाकई 20 दुकानों की साल 2012 में आखिरी नीलामी हुई थी। इन दुकानों से सालाना 4 लाख से ज्यादा की आमदनी अस्पताल को हासिल हो रही है। 11 जो है वो खाली है और 9 जो है उसमें से तकरीबन कोई 4 लाख वो रेंट आता है मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से, और वो फिर हॉस्पिटल के फंड में वो यूटिलाइज होता है। जिस तरह मतलब हॉस्पिटल डायरेक्टर या हमारी जो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कमेटी जो है IMC। अस्पताल इहाते में वाकई बाज़ दुकानों का किराया मार्केट के मुताबिक भी नहीं, जबकि 5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक 11 दुकानें किराए पर नहीं दी गई। तहम अस्पताल इंतजामिया इस पर प्राइवेट कमरे बनाने का गौर कर रही है। इस पे वो सोचे कि इसको प्राइवेट रूम्स में कन्वर्ट करके इसको प्राइवेट रूम्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अभी ये डिस्कशन जो है अभी हम कर रहे हैं कि इसको हम कुछ वो करके फाइनल करके इसको उसमें कन्वर्ट कर लें। अस्पताल इंतजामिया 11 दुकानों को किराए पर देकर हासिल होने वाले आमदनी को शहरियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकती है, तहम इसकी जानिब अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। कैमरामैन और हयात के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पिशावर।